बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ऑटो केयर। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बाइक्स को पसंद करते हैं, उमर साहब को जानते होंगे। तो उमर साहब आए हुए थे हमारे पास, हमने कहा आपसे भी मुलाकात कराते जाएं। तो कैसे हैं उमर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, आप अपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर एंड टुडे आई एम एट ऑटो केयर। और इनका चैनल भी माशाल्लाह फिट फार चल रहा है, हम देखते रहते हैं इनका चैनल कभी कभी। तो आई मीन वो जो ओवरवेलमिंग एक फीलिंग होती है ना कि यार कहाँ था चैनल और अब कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह, तो वो बहुत एक्साइट करती है बंदे को। और फिर थोड़ा सा जज्बा भी पैदा होता है कि यार हम भी थोड़ी सी मेहनत करें और मेहनत करें, वन स्टेप अहेड चले जाएं। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ अली भाई खड़े हैं, थैंक्स टू यू गाइस, आप लोग ना होते तो बहुत मुश्किल सफ़र था। और अभी आपको पता चल गया होगा नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो कितनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल होती है। हमारे साथ भी उमर साहब की सपोर्ट थी, तो बस कुछ आप लोगों की भी सपोर्ट थी तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो कोशिश होती है नई नई चीज़ें आपको दिखाई जाएँ। मैं अली भाई से भी यही बात कर रहा था कि मेरे पास तो चलो लिबर्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे मोटरसाइकिल रिलेटेड वीडियोज़ बना सकता हूँ। अब इनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को डेफिनेटली आसान लगता होगा कि जस्ट चीज़ दिखाई, ये चीज़ है जी, इसमें ये फंक्शन है, दैट्स ऑल। लेकिन इसके पीछे मसला पता क्या है? माशाल्लाह शॉप, अगर ये आपको एक बी रोल में क्लिप नज़र आ रहा होगा, भरी हुई शॉप है ये। लेकिन अब मसला ये है कि कुल मिला के 250-300 आइटम है और इन सब पे वीडियोज़ बन चुकी हैं। नए हम भी यही चाहते हैं कि नई चीज़ें आएँ, आप लोगों को हम लोग दिखाएं। इनकी भी डेफिनेटली हर वक्त नेट पे यही लग रहे थे कि कौन सा नया माल आया, कौन सी ऐसी चीज़ आई है जो किसी के पास ना हो, वो हम आपके लिए लेके आएँ। लेकिन कभी इंपोर्ट्स बंद हो जाती हैं, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा ये रनिंग आइटम है वो भी नहीं मिल रहे। नए तो कुजा, मतलब वो उन्होंने होना है, जो रनिंग आइटम है वो मुश्किल हुई भी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो सलूट आप लोगों को कि वही चीज़ें बार बार आप देखते हैं। हम मजबूर हैं दिखाने पे, लेकिन आप मजबूर नहीं हैं देखने पे। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो तभी चैनल्स भी चल रहे हैं और हम लोग नई नई चीज़ें भी कोशिश करते हैं कि लेके आएँ आपके लिए। तो आज तकरीर लंबी हो गई है, लेकिन अभी जो नई आइटम्स इनके पास मौजूद हैं ये आपको दिखाएंगे। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, आई वॉज अबाउट टू लीव, अली भाई ने शूट करने लगे तो मैंने कहा मैं भी जंप इन करता हूँ। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाए। तो बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब से मैं गया हूँ ये देखें इनके पास घास भी उगाई है इसके ऊपर ही, ठीक है। तो अल्लाह करे इस घास में मतलब फल बूटे भी निकलें और इन लोगों को भी फायदा हो, आप लोगों को भी फायदा हो, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलें। अली भाई सोना है सब चले, बड़ा टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं वीडियो की जानब, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो ओके, थैंक यू, नो वरीज, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक अदद राउंड एलईडी है जो के स्मोक कलर के शीशे में आता है। अब ये जो फ्लैशर है इसमें आपको काफ़ी सारे रंग देखने को मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर वर्क करते हैं। और जो इसका फ्रंट है वो स्मोक कलर के होने की वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। बैक साइड की अगर बात की जाए तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक मैड है जिसके पीछे एक स्क्रू लगा हुआ है जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी आसानी अटैच कर सकते हैं, नंबर प्लेट पे अटैच करना चाहें, फ्रंट हेडलाइट के नीचे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्क्रू लग जाए। और अगर ऐसी कोई जगह ना भी हो तो आप ये स्क्रू हटा के इसको डायरेक्ट भी डबल स्टिकर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो बहरहाल बड़ी एक खूबसूरत सी चीज़ है कि वायर्स इसके साथ दो तीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया फंक्शन इसमें काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम लोग इसको ऑन करके इसके फंक्शन भी देख लेते हैं, चलिए ऑन करके देखते हैं। चलिए तो अभी हम इस फ्लैशर को ऑन करते हैं। सबसे पहले तो इसका फ्लैशर मोड हम लोग लगाते हैं। फ्लैशर मोड में सिंपल ये फ्लैश करता है और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने कलर्स हैं। सेंटर में आपको वाइट कलर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद येलो, ब्लू, ग्रीन और फिर रेड, पांच कलर्स हैं इसके अंदर। इसके बाद हम लोग दूसरे इसके पैटर्न्स चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ रिंग में इस तरह जाता है और उसके बाद पैटर्न मुसलसल ये चेंज करता है।
काफ़ी सारे इसमें पैटर्न होते हैं और स्पेशली जब मल्टी कलर में जलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखें मुसलसल अपने पैटर्न चेंज कर रहा है। अच्छा कुछ बात करते चले अगर प्राइस की, तो ये लाइट आपको अवेलेबल होगी 450 रुपये में, और अगर आप पेयर लेना चाहें तो आपको 780 रुपीज़ में पेयर मिल जाएगा। डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज का नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अदद हैंडल बार है जो कि स्ट्रेट हैंडल बार कहलाता है, और ये स्पेशली यूज़ होता है कैफे रेसर्स में, और उसके अलावा भी अगर कोई हल्की फुल्की आप बाइक में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आम जो हैंडल होता है वो तो ज़रा उठा हुआ होता है, लेकिन ये वाला हैंडल बार तकरीबन सीधा होता है। मामूली सा इसमें कर्व होता है, लेकिन ये जब लगता है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही लगता है, इसलिए इसको स्ट्रेट हैंडल बार कहा जाता है। अब ये हैंडल बार जो होता है कैफे रेसर में, तमाम चीज़ें एक तो या तो छोटी होती हैं और फिर हैंडल बार उसमें हमेशा नीचे होता है, तो उसके लिए एक मस्ट हैव आइटम आप कह सकते हैं कैफे रेसर के लिए, और किसी भी बाइक में लगाएं ये सूट कर जाता है, और ये यूनिवर्सल आइटम है, किसी भी बाइक में लगाएँ ये बासानी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो इसके जो ग्रिप्स होते हैं उनके दरमियान ही इसको लगाना होता है। अच्छा ये जो हैंडल है ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये लोकल है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट तो है नहीं इसमें, क्या ख़राब होना है, लोहा ही है तो इसलिए इम्पोर्टेड की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ होती है फिनिशिंग की, ज़ाहिर इम्पोर्टेड वाली फिनिशिंग तो इसमें है नहीं, लेकिन ये कि ये वाली जगह जो है ये ग्रिप से छुप जाती है, तो बाकी कुछ पता नहीं चलता कि ये इम्पोर्टेड है या लोकल है। लोकल होने की वजह से प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इम्पोर्टेड जो हैं इस वक्त 1200-1400 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं जी 2000+ तक, जबकि ये वाला हैंडल बार आपको अवेलेबल होगा सिर्फ 650 रुपये में, और जैसा कि मैंने बताया ये यूनिवर्सल आइटम है, तमाम बाइक्स में लग जाता है, और इसमें एक तो साइड पे होल भी है, मतलब ये कि आप बार एंड एसेसरी अगर कोई लगाना चाहते हैं तो बासानी लगा सकते हैं, और दूसरा आप इसका गेज भी देख सकते हैं, काफ़ी मोटे गेज का इसमें जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये पायदार भी बहुत होता है, ख़राब होने वाला नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज के प्रोडक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल्स लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, बाकी तमाम चीज़ें, उनको भी आप विज़िट करें, फॉलो करें, काफ़ी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ऑटो केयर, अल्लाह हाफिज़।